आप दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तब आपने ये स्कैम तो अब तक सुन ही लिया होगा। वैसे तो दोस्तों इस स्कैम के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा और आप डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप जो पुराने वाला वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। अब स्कैम दोस्तों आप सभी को ऑलमोस्ट पता ही होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये चीज वायरल हो चुकी है अब तक। स्कैम दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ये था कि अगर आप IDFC बैंक से यूको बैंक में IMPS के जरिए अगर पैसे ट्रांसफर करते थे तो IDFC से पैसे कटते नहीं थे बट यूको बैंक में जो है पैसे शो करने लग जाते थे। तो ये चीज एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुई थी पर लोगों ने इसका इस तरह फायदा उठाया कि ये बहुत बड़ा स्कैम बन गया। और ये चीज इतने बड़े स्तर पे इसलिए हुई क्योंकि राजस्थान में दोस्तों युवा पहले से ही शिकार थे इन सब चीजों के, साइबर फ्रॉड्स के, स्कैम्स के। दोस्तों राजस्थान जाम तरह से भी बड़ा अब साइबर क्राइम का एरिया बन चुका है क्योंकि राजस्थान में दोस्तों पहले से ही जो चार्जबैक के सिलसिले हैं, केसेस है, आपने ऑलरेडी इस बारे में सुन रखा होगा। जो लोग पेमेंट करते थे उसके बाद चार्जबैक रिक्वेस्ट लगा देते थे जो कि लोगों की सुविधा के लिए हुआ करता था कि अगर आपका पेमेंट किसी गलत अकाउंट में गलती से चला जाए तो आप उसे वापस ले सकते हैं, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया वहां भी। खैर वो सब बातें पुरानी है दोस्तों, उसमें 7 दिन लगते थे पैसे डबल करने में, इसमें तो भाई 25 सेकंड। 25 दिन में पैसा डबल। RBI बैंकों तक को नहीं छोड़ती तो जो कॉमन लोग है वो तो है ही क्या उसके आगे। तो आपने देखा होगा काफी लोगों के स्टेटस लगाए हुए हैं, काफी ये फोटो वायरल हो रही है कि इसमें 621 करोड़ का घोटाला हो चुका है, अब तक स्कैम हो चुका है। लेकिन दोस्तों सच ये नहीं है, ये एक दोस्तों फेक स्क्रीनशॉट है एंड जो घोटाला है वो इससे भी बड़े स्तर का है। 621 करोड़ तो बस दोस्तों एक अनुमान है, जो घोटाला है अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया है और मेरी उम्मीद है एंड आप सब ने भी अनुमान लगाया होगा कि ये घोटाला कितना बड़ा है क्योंकि आप अपने गांव में भी अगर नाम सुने कि भाई इसने इतने किए, इसने उतने किए तो भी टोटल जोड़ेंगे तो भाई 621 करोड़ से ऊपर तो ऐसे ही हो रहे हैं वो तो। और ये स्कैम दोस्तों इतने बड़े स्तर पे इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि किस किस के अगेंस्ट कार्रवाई होगी, इतने लोग है हर घर में, हर दूसरा बंदा ये स्कैम कर रहा है तो किस किस को पकड़ के अंदर डालेंगे या फिर किस किस पे कार्रवाई होगी। तो ये गलती सबसे ज्यादा की है लोगों ने, लेकिन जो कार्रवाई है वो स्टार्ट हो चुकी है। जितने भी अकाउंट्स थे वो अब तक ब्लॉक किए जा चुके हैं, यूको के थे या फिर IDFC के थे, सभी के अकाउंट्स फ्रीज करके माइनस में डाल दिए गए हैं। जिन लोगों ने अभी तक यूको अकाउंट में पैसे जमा किए थे उन तक तो अभी तक नोटिस नहीं आया क्योंकि उन्होंने पैसे कहीं यूज नहीं लिए। अगर किसी ने पैसे यूज ले लिए या फिर विड्रॉ कर लिए तो उनके घर जल्दी लीगल नोटिस पहुंचने वाला है। ये देखिए दोस्तों मेरे पास एक प्रूफ पड़ा है इसका, ये देखो दोस्तों मेरे पास एक पड़ा है किसी का लीगल नोटिस। तो इसमें आप देख सकते हैं जो जोन है पुणे का दिया हुआ है, ब्रांच है वरना, कस्टमर नेम है, अकाउंट नंबर है, उसमें लिखा हुआ है कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट यू हैव विड्रॉन 70,066.15 रुपीज फ्रॉम योर मेंशन्ड अकाउंट विच वॉज क्रेडिटेड एरोनेशनली इन योर अकाउंट। यू आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड टू डिपॉजिट द विड्रॉन मनी इमीडिएटली सो एज टू अवॉइड एनी लीगल एक्शंस डीम्ड फिट बाय द बैंक। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो कस्टमर उसको बोला गया है कि भाई तूने 70,066 रुपये निकाले हैं जो कि तुम्हारे अकाउंट में आए हैं गलत तरीके से, एरोनियसली, तो उसकी वजह से आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि जो भी आपने पैसे निकाले हैं इमीडिएटली आपको वो वापस रिटर्न करने हैं ताकि आप बच सकें किसी भी लीगल एक्शन से बाय द बैंक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूको बैंक का जो ब्रांच हेड है उनके साइन भी है, उषा करके नाम है इनका, डेट है वो आप देख सकते हैं 14th of November यानी कि आज की है ये, और जो साइन एंड सील सब एकदम आप क्लियर देख सकते हैं। और रिसेंटली दोस्तों ये भी सुनने में आया है कि PNB बैंक और RMZB बैंक में भी ये लफड़ा चल रहा है, सेम ही टाइप का सीन है, PNB से पैसे करेंगे RMZB में आ जाएंगे लेकिन यहाँ से फेल हो जाएंगे। एक और दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि इस स्कैम को करने में सबसे ज्यादा हाथ रहा है राजस्थान के युवाओं का, जो दोस्तों स्कैमर से उसमें सबसे बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स की। तो इन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि चंद पैसों के लिए वो आगे कभी भी अपना पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनवा पाएंगे, कोई भी प्रकार का सरकारी जॉब या वैकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, और भी दोस्तों कई प्रकार के एक्शन उनके अगेंस्ट हो सकते हैं, जैसे अगर पैन कार्ड सीज कर दिया जाता है तो बाई चांस अगर वो कहीं प्राइवेट भी जॉब लग जाए तो भी दोस्तों सैलरी किस अकाउंट में लेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।